राजस्थान से जहां सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग त्रिनेत्र गणेश मेले में पहुंचे लाखों भक्त। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर राजस्थान से जहां सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग त्रिनेत्र गणेश जी का मेले में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशाल यादव के निर्देश पर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर ने बताया कि श्रद्धालुओं को एम्बुलेंस, पानी, चिकित्सा, कंट्रोल रूम प्रभारी सहित मेले से संबंधित आवश्यक जानकारी के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं। अंधेरी गेट पर भीड़ नियंत्रण के लिए मेला मजिस्ट्रेट को वायरलेस सेट व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए। त्रिनेत्र गणेश मंदिर ट्रस्ट के महंत संजय दाधीज और प्रधान सेवक हिमांशु गौतम का मेले को लेकर एक लक्ष्य है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए दर्शन के लिए अतिरिक्त बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। मेले में प्रातः मंगला आरती, फिर संग्रह आरती, उसके बाद दोपहर गणेश महाराज का अभिषेक किया जाएगा। मेले में जिले के सेवकों ने 100 के करीब भंडारे लगाए गए हैं, जिसमें सेवक प्रसादी के लिए भक्तों से मान मनुहार करते नजर आ रहे हैं। देखिए राजस्थान से स्टेट ब्यूरो चीफ चैनल योगेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। योगेश कुमार शर्मा है, मैं रुदावल से आया हूँ, जिला भरतपुर है, और मैं यहाँ त्रिनेत्रधारी गणेश जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। ये स्थान बहुत ही अच्छा, प्यारा और सुंदर है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये राजा हम्बीर का किला कहलाता था। यहाँ पे उसने त्रिनेत्रधारी गणेश जी की पूजा अर्चना की और वो अपने उसमें सफल हुआ। जय हिंद। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार पूरी तरह खचाखच भीड़ से भरा हुआ है मंदिर प्रांगण। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, मंदिर प्रांगण से सीधी तस्वीर है। यहाँ से काफी दूर दराज से लोग आते हैं गणेश जी के दर्शन करने के लिए। इसके लिए आपको 12 किलोमीटर बस में चलना होगा, 7 किलोमीटर पैदल चलना होगा, तब आप गणेश जी महाराज के दर्शन करने पहुंचोगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत